जंग ऑडियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान को आज़ाद किया जाए और उन पर लगाए गए इल्ज़ामात का मामला नैब कानून के तहत कायम की गई कारोबारी तबके और नैब अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी को भेजा जाए। कमेटी की मशावरत के बगैर नैब कार्रवाई ने कारोबारी तबके में तशवीश पैदा की है। निजी शोबे के खिलाफ नैब कार्रवाइयों पर मुल्की कारोबारी तबके ने काम करना बंद किया तो हुकूमत ने एतमाद बहाल करने के लिए यकीन दहानी कराई कि निजी शोबे के खिलाफ नैब कार्रवाई नहीं करेगा। नैब ने इस सिलसिले में पॉलिसी गाइडलाइंस जारी की और चेयरमैन नैब के FPCCI के दौरे पर 6 रुकनी कमेटी बनाई गई, लेकिन वो जो कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की, यहाँ वो हुआ। प्लेगमिया के पैटर्न इन चीफ फवाद एजाज खान कहते हैं कि मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी ने सारे किए पर पानी फेर दिया। कुछ अर्से पहले नैब चेयरमैन ने 6 लोगों की कमेटी बनाई थी और इसमें फैसला हुआ था कि अगर किसी बिजनेसमैन को भी अरेस्ट करना है तो पहले वो कमेटी में केस जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है प्रोफेसर साहब से भी और नैब के चेयरमैन से भी, और यहाँ तो मीर शकीलुर रहमान साहब को फौरन आप रहा करें और यहाँ फिर उनका केस उस कमेटी को दे जो उसको स्क्रूटिनाइज करे। मीर शकीलुर रहमान की रिहाई का मुतालबा FPCCI के साबिक नायब सदर इश्तियाक बेग ने भी किया है। कहते हैं कि हुकूमत ने एतमाद बहाली की बातें बहुत कर ली, अब अमल करके दिखाए। हुकूमत ने एतमाद बहाली की बातें बहुत कर ली, अब अमल करने का वक्त आ गया है। मेरी वजीर आजम और नैब से दरख्वास्त है कि मीर शकीलुर रहमान को फौरन रिहा किया जाए ताकि बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद बहाल हो सके। कराची चैम्बर के साबिक सदर अंजुम निसार के मुताबिक मीर शकील की गिरफ्तारी में कवानीन की पासदारी न करके नैब ने अपनी साख को और हुकूमत की कारोबारी तबके के एतमाद बहाली कोशिश को नुकसान पहुंचाया है। निजी शोबे का एतमाद बहाल करने के लिए मीर शकीलुर रहमान को रिहा किया जाए।